नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। तो सुबह के जो कि 8 बज चुके हैं और मैं आज जा रही हूँ अपने किचन में बनाने चने का निमोना। साथ में बनाऊंगी लिट्टी भी लगाऊंगी। निमोना जो कि ठंडियों में अच्छे लगते हैं, चने का हो चाहे मटर का हो। तो अब ठंडियों का सीज़न आ गया है तो निमोना जो हम बनाने जा रहे हैं इसमें एक ऐसी सीक्रेट चीज़ डालने जा रहे हैं जिससे निमोना बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी बनेगा। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या किस तरीके से हम निमोना अपने गाँव के देसी तरीके से बनाते हैं। इधर देखिए, मैंने चना लिया है जो हम खाते हैं अंकुरित चना। इसको मैंने रात भर भिगो दिया था और अच्छे से ये फूल गया। इसको हम धो लेते हैं साफ पानी से। और ये हमारे घर का चना है, तो एक साल जब पुराना होता चना तो अच्छे से ये फूल जाता है। अब इसको हम धो लेते हैं साफ पानी से। क्या खा रहे हो बाबू? चना। चना, तुमको चना पसंद है? देखिए, हमने खेत में से भिंडी तोड़ लिया है। इसको हम पहले कूड़ा लेते हैं नीचे, उसके बाद छाट के जो खराब है उसको निकाल देंगे, जो अच्छा है वो मार्केट में कल जाएगा। कल धनतेरस है, तब निकाल तोड़ दो, कुछ पैसे आ जाएंगे बच्चों के पटाखे उठाके के लिए हो जाएगा। मेरा बाबू है, उसको पटाखे चाहिए और खिलौने चाहिए। कल मंडी जाएगा ये। इधर चने का जो निमोना बना रही हूँ उसमें देखिए, मैं आलू भी डालूंगी, प्याज टमाटर दिया है, हरी मिर्च अदरक और लहसुन, तो सबको धो ले रही हूँ यहाँ पे। तो निमोना जब हमारे घर में बनता है तो सबका बहुत ही फेवरेट ये है डिश है और सब बहुत इसको खाते हैं, चाहे मटर का हो चाहे चने का हो किसी चीज़ का भी हो। तो निमोना जो है सब बहुत अच्छे से खाते हैं, चावल के साथ, रोटी के साथ, लिट्टी के साथ भी खाते हैं। तो आज मैं लिट्टी भी लगाऊंगी साथ में, ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं निमोना के साथ। इधर देखिए, मैंने प्याज काटा है तड़का लगाने के लिए, इसमें हरी मिर्च भी काटा है। अब इधर आलू भी काट लेंगे थोड़ा सा, आलू की मात्रा जो है कमी रखेंगे इसमें निमोना में। इधर देखिए, मैंने तड़का के लिए आलू और प्याज काट दिए, हरी मिर्च। अब हम चने को पीस लेंगे इसी बट्टे पे। यहाँ पे देखिए, चने एकदम बारीक पीसेंगे। तो इतना चना देखिए बहुत ज़्यादा है, तो हम आधा पीसेंगे और आधा रख देंगे, अंकुरित हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही खाते हैं कच्चा, जितना जितना हम जरूरत उतना पीस लेते हैं। इधर देखिए, मैंने चना पीस लिया, इसको थाली में उठा लेते हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है पीसने के बाद छिलका सहित, ये सब जो है बहुत फायदा करता है। चना पीसने के बाद देखिए, हम साबुत यहाँ पे मसाले पीस रहे हैं। यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, जीरा है और भी बाकी मसाले हैं। और इधर मैंने लिया साबुत धनिया, इसको भी पीसेंगे। इधर मैंने लहसुन और अदरक लिया है, साथ में इसको भी पीस लेते हैं मसालों के साथ। और इधर मैंने दो प्याज लिया है, इसको भी काट कर पीस लेते हैं। ये सब मसाला जो है हम एकदम बारीक से बट्टे पीसेंगे निमोना में डालने के लिए। पानी डालकर हम मसाले को पीस लेते हैं। इधर हमने अपने खेत का हरी मिर्च तोड़ के ले आई हूँ और इसको मैं इसे पीस देती हूँ मसालों के साथ। काफ़ी सारा, काफ़ी तीखा भी जाएगा, तो निमोना तीखा ही अच्छा लगता है। चूल्हे में इधर को जला दिया, कढ़ाई रख दिया। इसमें देखिए, मैंने सरसों का तेल डाला है। तो जब भी निमोना बनाए सरसों का तेल में बनाया, बड़ा अच्छा बनता है। यहाँ पे देखिए, मैंने एक बड़ी कटोरी लिया, इसको फोड़ के डालेंगे। और इधर मैंने जीरा लिया, इसको डाल देते हैं। इधर मैं देखिए, चार तेज पत्ती लिया, इसको डाल देते हैं। थोड़ा सा हींग डालेंगे इसमें। और इधर मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, इसको भी डाल देते हैं। और इधर जो मैंने काटा है प्याज और हरी मिर्च, इसको भी डाल देंगे। बढ़िया तड़का को लाल कर लेते हैं भूनकर। जब तक हमारा तड़का कढ़ाई का लाल हो रहा है, इधर हम अपने खेत में आए हैं। इस सब्जी में जो हम सीक्रेट चीज डालेंगे वो है ग्रीन चाय की पत्ती। इससे जो है कि सब्जी जो है बहुत टेस्टी बनता है, इसका पानी जो बहुत हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम ग्रीन चाय की पत्ती के पास आ गए हैं, इसको यहाँ से लेते हैं। देखिए, पत्ती नहीं तोड़ने से देखिए ऊपर पर जो कि गासा काफ़ी निकल गया है, एकदम बांस की तरह देखिए लग रहा है छोटा छोटा। तो इसको देखिए उखाड़ के फेंकना पड़ता है। इसकी पत्ती देखिए मैंने काफ़ी तोड़ लिया, अब इसको धो लेते हैं। अब मैंने धो लिया, अब चलते हैं चूल्हे के पास लेकर। देखिए यहाँ पर जो ग्रीन चाय की पत्ती, इसको मैं तोड़ के भगोने में डालूँगी और इसमें पानी डालूँगी। दो लोटा में पानी डाल दे रही हूँ। अब इसको रखूँगी चूल्हे पे, इसका जो है पानी का जो अरक होगा इस पानी में छोड़ देगा
चाय की पत्ती का। तो इसका जो पानी हम डालेंगे निमोने में, इससे खुशबू और स्वाद जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। यहाँ पे तड़का देखिए मेरा लाल हो गया है, इसमें डाल लेते हैं आलू कटा हुआ। अब आलू को भी हम भून लेते हैं काफ़ी देर तक। तो आलू को देखिए मैंने यहाँ पर काफ़ी देर तक भून लिया, उसमें डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने से आलू जल्दी पकने लगेगा, इसमें डाल देते हैं हम नमक और स्वाद डाल दे रहे हैं। स्वाद के अनुसार हम नमक अभी डाल दिए सब्जी में। उसके बाद जो पीसा हुआ चना था मेरा, ये भी डाल देंगे साथ में। अब बढ़िया से हम इसको भूनेंगे। इसको मैंने चने को देखिए पीसा हुआ चना मैंने इसमें डाल दिया, इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। इधर देखिए चने को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें जो मैंने सिलबट्टे मसाले पीसे थे ये डाल देते हैं। और इधर मैंने देखिए लिया आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसको डाल देते हैं। आधा चम्मच लिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इसको डाल देते हैं। थाली में जो मेरा मसाला लगा इसमें देखिए इसी का पानी लेते हैं, ग्रीन चाय की पत्ती का। इसमें थाली को अच्छे से धोकर इसी में डाल देते हैं। इसको देखिए चलाकर मसाले को बढ़िया सा भून लेते हैं, थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। इसको देखिए पानी डाल दिया है मैंने चाय की पत्ती का, और इसमें जो कि खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी महक आ रही है। और इसको देखिए हम चला दे रहे हैं बढ़िया सा, मसालों को बढ़िया सा हम भून लेंगे और चने को भी पका लेंगे मसालों के साथ। तो मैंने देखिए पका हुआ टमाटर लिया है, इसको काट लेते हैं बारीक। इसको भी डालेंगे हम निमोने में, तो अभी 4-5 काट लेते हैं पका पका। तो मसाला जो कि हमारा देखिए पक रहा है, और जो चना पीसा देखिए गाढ़ा होते जा रहा है। यहाँ पर जो मैंने टमाटर काटा इसको डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद इसको हम चलाकर इसको ढककर बढ़िया सा मसालों से पका लेते हैं। टमाटर को भी थाली से इसको ढक देते हैं। यहाँ पर मैंने मिक्स आटा लिया है, इसमें मैंने गेहूँ चावल ज्वार और मक्के का आटा लिया है। तो इसका हम मिक्सी लगाएंगे निमोने के साथ, इसको हम सान लेते हैं। लिट्टी जो कि निमोने के साथ खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। ये देखिए मैंने थाली हटा दिया है, देखिए जो मेरा मसाला था निमोने का ये अच्छे से भुना गया है और टमाटर भी गल गया है। इधर जो मैंने चाय की पत्ती हरी वाली डाला था इसको हम निकाल के फेंक देते हैं। इसी का पानी हम डालेंगे इसमें, और इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। इसका पानी देखिए हम इसमें डाल दे रहे हैं। अब इसको चला लेंगे डालने के बाद, जितना हमें ग्रेवी रखना है उस वैसे पानी हम डालेंगे। इसका पानी डालने के बाद देखिए महक बहुत अच्छी आ रही है। और अब बस करते हैं, पानी हमने डाल दिया ग्रेवी के अनुसार, इसको हम पका लेते हैं। इधर देखिए मैंने आटा गूंथ लिया है, हाथों में लोई लेते हैं, काफ़ी बड़ा लोई लेंगे लिट्टी लगाने के लिए। तो इसको देखिए इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए चिपटा कर देंगे। थोड़ा सा पैथन लाकर हम इस तरीके से बेल लेते हैं चौके बेलने पर। अगर हाथों से लिट्टी नहीं सही से बनते हैं तो चौके बेलने पर बेल कर बना सकते हैं आराम से। ये देखिए मैंने इसको बेल दिया, इसको पैक डाल देंगे। इसको देखिए मैंने बेल दिया है, अब मोटी रोटी देखिए बेले हैं लिट्टी वाली, इसको तवे पे डाल देते हैं। अब इसको दोनों तरफ सिझा कर अब आग में सिझाएंगे, ऐसे हम और बना लेते हैं। देखिए तवे पे से इसको उतार लेते हैं दोनों तरफ से, देखिए हमने हल्का सा लाल कर लिया। अब इसको हम उपले के आग में पकाएंगे, और इधर जो बना है बेला हुआ है इसको तवे पे डालते हैं, ऐसे ही हम पका के बना लेते हैं। अब देखिए इधर मैंने अच्छे से लाल कर लिया, आगे साइज का पकाएंगे इसको। अच्छा तो देखिए लिट्टी हमारा हो गया है, इसको रख देते हैं, थोड़ा सा जल गया है, और ऐसे और बना लेते हैं। इधर देखिए निमोना जो कि बन गया चने का, अब इसमें डालते हैं देसी घी। यहाँ पे लिया है मैंने देसी घी से निमोना और टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच पूरा भर के देसी घी डाल दिया है। और अब डालते हैं धनिया की पत्तियों को, देखिए डाल देते हैं इसको ऊपर से। तो इधर देखिए मैंने मिक्स आटे का जो कि लिट्टी भी लगाया है निमोना खाने के लिए, और इधर देखिए मेरा निमोना जो कि बनकर रेडी हो गया है, कितना गाढ़ा हो गया है निमोना चने का। और इसको हम लोग चावल और लिट्टी के साथ खाएंगे मिक्स, और खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी आता है। अगर इस तरीके से आप चने का निमोना बनाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी और काफ़ी हेल्दी भी रहेगा। इसमें मैंने ग्रीन चाय की पत्ती का पानी डाला, जिससे इसका सुगंध और टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने में। दोस्तों इस तरीके से हमारे गांव के देसी तरीके से हमने निमोना बनाया, और साथ में लिट्टी बनाया है, चावल भी बनाया है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको अगले वीडियो मिलते हैं। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।